मुझे आज भी याद है कि 2 साल पहले मैंने नेक्सल को एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया था, और आज 2 साल के बाद मैं अपने ख्वाब को पूरा होते देख रहा हूँ, जो कि मैंने कभी देखा था। हाय, आई एम साथ और आई एम अ सीनियर वीडियो एडिटर एट नेक्सल। मैंने नेक्सल ज्वाइन किया वीडियो एडिटिंग के कोर्स के लिए। बेसिकली मैं बहावलपुर से हूँ, तो यहाँ पे लाहौर में पहली दफ़ा आया था कोई स्किल सीखने के लिए, अपने मतलब एक फ्यूचर को देखते हुए। मैंने एफआई टावर का नाम सुना हुआ था, तो पहली दफ़ा मैंने विज़िट किया यहाँ पर नेक्सल के इंस्टीट्यूट में, और ये कि यहाँ पर आके इंफॉर्मेशन ली, इनका इन्वायरमेंट देखा, कोर्स आउटलाइंस वगैरह देखी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कोर्स में ज्वाइन कर लिया वीडियो एडिटिंग कोर्स में। मुझे था कि मैं अपने उस फ्यूचर गोल को किसी तरह अचीव करूँ, मेहनत करते था, काम करते रहते था। आफ्टर माई कोर्स नेक्सल ने मुझे इंटर्नशिप ऑफर की, जिसे मैंने अवेल किया। एनवायरनमेंट को सीखा, टास्क परफॉर्म किए, पेशेंट हैंडल किया, और एक न्यू चीज़ें सीखी, वो चीज़ें सीखी जो कि मैं कोर्स में ना सीख सका, और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल थिंग्स को इम्प्लीमेंट किया, और अपनी इन स्किल्स को, अपनी इस काबिलियत को और मज़ीद बेहतर बनाया। आफ्टर मेरी इंटर्नशिप नेक्सल ने मुझे जॉब ऑफर की फॉर वीडियो एडिटिंग, जिसे मैंने अवेल किया और वर्किंग स्टार्ट किया वीडियो एडिटर। तो काम करता रहा मैं, अपनी स्किल को पॉलिश करता रहा, न्यू चीज़ें सीखी, टीम बिल्डिंग की, और साथ साथ में काम वर्किंग के साथ साथ काम करके दिखाया, और कि अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया, और कंजेक्टिव 3 टाइम्स में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी बना। एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो स्किल रिक्वायर होती है वो मैंने महसूस की, और मुझे लगता है कि एज अ पर्सन भी ये चीज़ मैं बाहर से कभी नहीं सीख। मेरी इस जर्नी में नेक्सल का बहुत बड़ा रोल है, जो कि मैं थैंकफुल हूँ नेक्सल का। इतना कुछ उन्होंने तो एडजस्ट किया, मुझे सिखाया, मेरे पे इन्वेस्ट किया, और ये कि मैं कभी भी नहीं बोल सकता, और आई एम वेरी थैंकफुल टू नेक्सल। थैंक यू।